हाय गाइस, आज हम बनाएंगे चॉकलेट सिरप जो बिल्कुल टेस्ट करता है और दिखने में भी है हर्शीज चॉकलेट सिरप की तरह से। और ये 5 मिनट में बन जाती है रेसिपी। एंड इस सिरप को आप 15 दिन तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे आप केक पे डाल सकते हो, आइसक्रीम के ऊपर डाल सकते हो, पैनकेक के ऊपर डाल के खा सकते हो। जैसे आपको पसंद हो आप उसे वैसे खा सकते हो। इसे आप मिल्क शेक्स भी बनाने में यूज़ कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। सबसे पहले लिया है मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई। इसी कढ़ाई में मैं सॉस बनाऊंगी एंड सारे इंग्रेडिएंट भी मैं डायरेक्ट इसी में ही मिक्स कर लूँगी। कढ़ाई लिया है मैंने। कढ़ाई में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी 1/4 कप, 1 टीस्पून बटर। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चॉकलेट सॉस में। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट अगर आपको एकदम वो बाजार वाला टेस्ट चाहिए तो उसमें आपको वनीला एसेंस डालना होगा 1/2 टीस्पून। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिर्फ 2 पीस कैडबरी, जस्ट 2 पीसेस। इससे वो एकदम कंप्लीट बाजार वाला सिरप लगेगा जैसा हर्शीज का आता है। एंड अब मैं इन्हें अच्छे से सब कुछ एक बार मिक्स कर देती हूँ। एक बार ही मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं कढ़ाई उठा करके गैस पे रख देती हूँ। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया है एंड फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। थोड़ी देर के लिए हम फ्लेम एकदम लो रखेंगे एंड जो भी बटर हमने डाला है, बटर और चॉकलेट जैसे ही मेल्ट हो जाएगी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे लो से। ये एक इंडिकेशन होगा जैसे ही आपका बटर और चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी आपकी, आपको फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाना है, आपको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको पकाना होगा। मेरा बटर और चॉकलेट जो मैंने डाला था कैडबरी का पीस, वो मेल्ट हो गया है। इसका मतलब अब मुझे फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाना है, जस्ट मीडियम करना है, फुल नहीं करना है। फ्लेम को मीडियम करने के बाद आपको इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है, जब तक सॉस पूरी अच्छे से पक ना जाए और थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक मत करना इसे, नहीं तो फिर ठंडी होते हुए और थिक हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो जाएगी, वो बिल्कुल मार्केट वाली सिरप जैसी नहीं रहेगी। तो मुझे कुछ 2.5 मिनट हो चुका है, मैं इसे 1 या 1.5 मिनट और पकाऊँगी। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी थिक रखनी है, लाइक हल्की सी थिक करेंगे बॉईल करते हुए, बहुत ज़्यादा थिक मत करना, नहीं तो ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब देखोगे तो इसमें बॉईल आने लगा है। बस और 30 सेकेंड, अब हमारा सिरप रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी 5 मिनट में बन जाती है ये रेसिपी। सॉस में अच्छा सा एक बॉईल आ गया है, आप देख सकते हो, ये देखो अच्छा सा बॉईल आने लगा है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। बस हमें इसे इतनी थिक कंसिस्टेंसी तक पकाना है। अभी ये बहुत गर्म है तो थोड़ी देर मैं वेट करूँगी इसे ठंडा होने का। इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है एंड जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है ये थोड़ा थोड़ा थिक हो गया है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये दिखने में थोड़ा थिक लग रहा होगा आपको। अब ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, 10 मिनट और लगेगा ये पूरा ठंडा हो जाएगा एंड हमारा सिरप रेडी हो चुका है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बिल्कुल ही मार्केट में जो हर्शीज वाला चॉकलेट सिरप मिलता है इसका टेस्ट एकदम वैसा है। एंड आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई होगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।